ज्यादातर लोग कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इस मंदिर के बारे में नहीं जानते। ये श्रीनगर की कुलदेवी का मंदिर है। क्या आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं? नहीं तो चलो आज मैं आपको ले जाती हूँ उस माता के दर्शन कराने जिसके नाम पर श्रीनगर का नाम पड़ा है। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। तो आज मैं आपको श्रीनगर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान की विजिट कराऊंगी, क्योंकि इसके बगैर श्रीनगर का प्रवास अधूरा है। तो मैं निकल पड़ी हूँ श्रीनगर के मध्य में स्थित हारी पर्वत, जहाँ स्थित है माँ सारिका देवी। दल लेक से यहाँ का अंतर 7 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में आधे घंटे का समय लगता है। काठी दरवाजा होते हुए हम पहुंच जाते हैं हारी पर्वत। माता के दरबार में जाने के दो रास्ते हैं। एक माता के मंदिर की ओर सीधा जाता है, वही दूसरा हारी पर्वत की चढ़ाई के वक्त बीच में आता है। दोनों ही रास्तों से 15-20 मिनट की चढ़ाई करके आप पहुंच जाएंगे माँ सारिका भगवती के दरबार में, जिसे चक्रेश्वरी दरबार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माँ एक शिला के आकार में श्री चक्र के रूप में विराजमान है। और माता के इसी नाम पर से शहर का नाम श्रीनगर पड़ा है। और माँ सारिका श्रीनगर की नगर देवी है। माँ दुर्गा की इस रूप को राजेश्वरी, त्रिपुसुंदरी और अष्टादश भुजा भी कहते हैं, क्योंकि माता की 18 भुजा है। और माँ के इस निवास स्थान को चक्रेश्वरी दरबार, सारिका पीठ, पर्वत और प्रद्युमन पीठ भी कहा जाता है। हरी पर्वत जाने से पहले आपको सरका देवी मंदिर का ये वाला बोर्ड मिलेगा। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जाऊंगी, दर्शन करेंगे, फिर निकल जाएंगे। तो अभी ये नीचे है थोड़ा, तो सबसे पहले सरका देवी आएगी, उसके बाद आप हरी पर्वत ऊपर जा सकते हैं। तो ये है मंदिर जाने का रास्ता। सीढ़ियों से जाना है और सीधा थोड़ी टूटी हुई है, बट ठीक है, बहुत ही अच्छा है, जगह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ ना सेतूर के पेड़ बड़े अच्छे से लगे, ऊपर भी था, मैंने मन भर के खाया है। मतलब पेट भर के तो ठीक है, मन भर गया, इतना खाया, इतने मीठे हैं। देखो ऐसे ही गिरे हैं। और पीच भी मिलेंगे आपको ऊपर, एप्पल, ग्रीन एप्पल का पेड़ भी है, बट वो तोड़ना मना है। नीचे गिरे आप उठा सकते हैं। और मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं आगे आगे चल रही, मम्मी पापा और शीतल साथ साथ में चल रहे हैं धीरे धीरे। चलो हम फाइनली मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यस, हर जगह हमारे जवान सेवा के लिए हाजिर है। ये माता का मंदिर है। ओम ह्रीम ह्रीम सारिकाय नमः। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर आपसे वापस से रूबरू होती हूँ। मैंने परमिशन ले ली है आपके लिए कि मैं आपको ये दर्शन करवा दूँ। ये माँ के दर्शन कर लीजिए आप। ये बड़ी सी चट्टान जो शिला है, वही माँ है। जगत का कल्याण हो। ओम नमो भवानी। सफाई का देखो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर जगह है। अगर कश्मीर आ रहे हो यहाँ ज़रूर आइए, हरी पर्वत आ रहे हो तो माँ के दर्शन के बगैर मत जाइएगा। मंदिर निर्माण का उल्लेख द नीलम माता पुराण में मिलता है। माना जाता है कि हाल में दिख रहा यह मंदिर का निर्माण 1808 में कश्मीरी पंडितों द्वारा किया गया था। वही राजा अशोका ने इस नगरी की स्थापना की थी और इसका नाम गिरी नगरी रखा था, पर बाद में परवर सिंह द्वितीय ने इसे अपनी राजधानी बना के इसका नाम परवरपुरा रखा। वही राज तरंगिनी अनुसार 6 शताब्दी में मेघवाहन के पुत्र राजा परवर सिंह द्वितीय ने श्री चक्र शिला को स्थापित किया है, और इसी श्री चक्र के स्थापना के बाद उसी के नाम पर इसका नाम श्रीनगर पड़ा। इसीलिए सारिका माता श्रीनगर की इष्ट देवी भी है। कहा जाता है कि कश्मीर सती सर था, सर यानी सरोवर, माता सती का सरोवर, और पानी में एक जलोद्भव नाम का राक्षस रहता था, जिसका उपद्रव बढ़ गया था।
तो कश्यप मुनि ने इसके पानी को निकाला और इसे रहने लायक बनाया और बना ये सुंदर कश्मीर। पर पानी के बह जाने के बाद श्रीनगर के निचले हिस्से में थोड़ा सा पानी जमा होने के कारण जलोद्भव उस जल में छुप गया। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे पानी में कोई नहीं मार पाएगा। उसी के संहार के लिए माता ने मैना का रूप धारण किया। तो हमारे साथ है एम के रैना सर, जो डिफेंस से रिटायर है और अभी मंदिर में सेवा दे रहे हैं, जो हमें मंदिर के बारे में और देवी के बारे में बताएंगे। ये जो मंदिर है इसको नाम यहाँ पर बोलते हैं शारिका देवी मंदिर। शारिका मीन्स मीना, क्योंकि कश्मीर में इसको बोलते हर, हर मीन्स मीना। जो हमने बुजुर्गों से सुना है या ग्रंथों में लिखा है, ये एक समंदर ही था यहाँ पर। अच्छा। पानी पानी था। अच्छा। पर माता शारिका, जिसका कल जन्मदिन था, जिसका अषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को होता है जन्मदिन, उस कल यहाँ फंक्शन था, वो हवन शवन होता है, सब कुछ होता है। उसके बारे में क्या है, ये जो माता शारिका मीना के रूप में आ गई यहाँ, उसने अपनी चोंच में पत्थर लाया, पत्थर यहाँ इस पानी में डालकर ये समीर पर्वत बन गया। फिर हो गया ये पर्वत, जिसका नाम फिर पड़ा हारी पर्वत। हारी मीन्स कश्मीरी में बोलते हैं चिड़िया को ही, हर बोलते हैं कश्मीरी में, उसको बोलते हैं उर्दू में चिड़िया, जो यहाँ घूमती है उसी के नाम पर इसका पड़ा है। ऋगु संहिता में रहे सारिका महात्मा अनुसार वर्णन मिलता है कि माता ने भक्तों के उद्धार के लिए मैना का रूप धारण किया और चौंच में सुमेरु पर्वत से एक कंकड़ लाके जलोद्भव पर फेंका, जो धीरे धीरे बड़ा और पहाड़ का रूप धारण कर लिया, जिसके नीचे दबकर जलोद्भव मर गया। मैना को संस्कृत में सारिका और कश्मीरी में हर कहते हैं, इसलिए इस पर्वत को हारी पर्वत यानी हर का पर्वत कहते हैं, जिसे आज लोग हरी पर्वत प्रोनाउंस करते हैं। क्या हुआ, फिर यहाँ जितने ये पहाड़ी बन गई, इसमें जितने भी देवी देवता हैं वो आकर उन्होंने वास किया। यानी कि जिसको कहीं सिद्धि नहीं होती थी, सिद्धि के लिए वो यहाँ आते थे मंदिर में। माता ने अषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन मैना का रूप लिया था, तो कश्मीरी इसे हार नवमी भी कहते हैं, इसलिए इस दिन को माँ की जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। ये उत्सव अषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से नवमी तक 3 दिन मनाया जाता है। तब यहाँ रात भर कीर्तन होता है, पंडितों के घर के आंगन और रसोई में रंगोली बनाई जाती है, जिसे हार मंडल कहते हैं। श्रद्धालु सुबह हारी पर्वत की परिक्रमा करते हुए सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी, फागुन कृष्ण पक्ष अष्टमी और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी नवरेह के दिन विशेष पूजा होती है। पंडितों के पलायन से पहले यहाँ खूब पूजा अर्चना होती थी। अनेक योगियों ने यहाँ माँ की साधना करके कई सिद्धियाँ पाई हैं। ये ऋषि मुनियों की साधना का केंद्र रहा है। शक्ति पूजा में योगी इसी श्री चक्र का ध्यान करते हैं। ये शिव और शक्ति के एकाकार रूप का प्रतीक है। शिला में स्वयंभू बना ये श्री चक्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पहले यहाँ हर सैटरडे रात को पूजा होती थी। अच्छा। पूजा शाम को 7-8 बजे स्टार्ट होती थी, 1:30-2 बजे खत्म। पूजा खत्म, पूजा के बाद यहाँ फिर ये कीर्तन होता था रात भर सुबह तक। जैसे पहले बोला आषाढ़ नवमी को हवन था, यहाँ हजारों के लोग में लोग आए थे। उनको यहाँ एक्चुअली ट्रेडिशन क्या है, यहाँ पीले चावल, पीले पनीर और आलू। अच्छा। उसमें मिलकर आफर माता को चढ़ाया जाते हैं, फिर उसी को बांटकर आपस में प्रसाद के रूप में लिया जाता है। यहाँ यही इसकी महिमा है। अगर आप आइए और आपको कुछ जानना है देवी के बारे में तो आप सर से मिल सकते हैं, तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच हमें भी काफी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने सारिका माता की एक धातु की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी, पर 12वीं शताब्दी में ही एक सामंत अवंती देवी ने इस मूर्ति को यहाँ से ले जाकर कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थापित कर दी थी। वो जगह आज किश्तवाड़ में सरथल माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वो मंदिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कभी मैं आपको वहाँ भी ले जाऊंगी। पर अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हर पर्वत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।